नाम रवि कुमार है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैं जो प्रोफेशनल ब्रीड है वो अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर है। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ और ना मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? एक्चुअली ये ब्रीड बहुत ही यूनिक है। अगर आपको पिटबुल कंपैरिजन करूँ या अमेरिकन बुली के अकॉर्डिंग तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का बिहेव। मेरे कैनल का नाम रॉयल स्टैफ कैनल है। तो मेरी जो ब्रीड है वो अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर है। मैं पिछले 7 सालों से अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर की ब्रीड कर रहा हूँ। और रही बात ब्रीड के बारे में, तो देखिए अभी तक इसके बारे में लोगों को कम ही बताया कि एम्स्टेफ होते क्या हैं। और इस ब्रीड के ब्रीडर भी गिने चुने ही रह चुके हैं। तो इस ब्रीड को अभी तक इतनी प्रमोशन नहीं मिली, ना ही इतनी ब्रीड प्रमोट है कि आम लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो आज मेरी जो वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर है। और ये बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर होते हैं वो बहुत ही समझदार डॉग होते हैं, बहुत ही प्यारे डॉग होते हैं और बहुत ही अच्छे डॉग होते हैं। तो मेरी लाइफ की जो पहली एक बिच थी वो एक एम्स्टेफ बिच है मेरी, उसका नाम परी द एंजल है। वो आज 6 साल की हो चुकी है। तो वो मेरी नॉर्थ इंडिया की जो फीमेल है, वो अपने समय में उसने बहुत अच्छी विनिंग की है, अच्छे डॉग को बीट किया है, उसने इम्पोर्ट डॉग को बीट किया है, उसने मल्टी बी ओ बी विनर है, मल्टी ग्रुप विनर है, मल्टी आर बी ओ बी विनर है वो। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी लाइफ की, वो पहली मेरी एक पिटबुल से जो हुई थी मेरे पास। आज भी मेरी वो सबसे प्यारी बिच है, वो 9 साल की हो चुकी है, उसका नाम जूली है। तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है वो। तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो पिटबुल से हुई, फिर मुझे धीरे धीरे ब्रीड के बारे में अच्छा लगा, मैंने उसके सर्च किया, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे एक ब्रीड के बारे में पता चला था, वो थी अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। फिर मैंने उसको ढूंढा इंडिया में कौन ब्रीडर है इसका, कहाँ से क्या है। तो मुझे जो पता चला था वो हमारे सबसे पहले इंडिया में ब्रीडर है वो मिंटू यादव जी है, हमारे भैया जी, वो दिल्ली से हैं। तो मैंने अपनी जो लाइफ की पहली भी एम्स्टेफ वो मैंने उनसे ली थी। तो मेरी फीमेल के जो पेरेंट्स बहुत आर इम्पोर्ट लाइन्स। तो मेन बात अब करूँ एम्स्टेफ प्योरिटी की, तो देखिए जो प्योर होते हैं उनकी पेडिगिरी सबसे पहले ही मायने रखती है। इम्पोर्ट ब्लड लाइन की पेडिगिरी होगी, ना कि अननोन पेडिगिरी होगी। तो अब मैं आपके वो बताऊँ उस ब्रीड के स्टैंडर्ड के बारे में। तो जो एम्स्टेफ में बिच होती है उसकी हाइट होनी चाहिए 16 इंच से लेके 18 इंच में फीमेल होनी चाहिए, और जो मेल होना चाहिए वो 17 इंच से लेके 19 इंच में मेल होना चाहिए, जो आजकल का स्टैंडर्ड चल रहा है, अभी का स्टैंडर्ड वो। और जो इनका वेट होना चाहिए फीमेल का वो 20 केजी होना चाहिए, 20 से 22 या 23, और जो मेल होना चाहिए वो 25 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए उसका वेट। और इनकी जैसे वो बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए, ब्रॉड चेस्ट होनी चाहिए, हैवी बोन होना चाहिए, हैवी थाई होने चाहिए उनके, मस्कुलर हैवी राउंडेड नेक होनी चाहिए, और हेड का प्रपोर्शन बताऊँ तो एक एप्पल हेड होना चाहिए इनका, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉस मसल होने चाहिए इनके, ज़िगोमोटिक मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जैसे इनका जो मज़ल होता है वो ज़्यादा ढीला ना हो, लिप्स ज़्यादा ना ढीले हो, एक टाइट फेस होना चाहिए, क्लीन फेस होना चाहिए इनका। और इनमें जो कलर की बात करूँ, इनमें बहुत ही कलर आते हैं। जो मेन होता है वो देखिए, वो जैसे कई लोग पसंद करते हैं मार्किंग में, और अगर बात करूँ तो स्टैंडर्ड में भी तो उसको मार्किंग ही पसंद करते हैं जजेस भी। और इसमें ब्रिंटल वाइट कलर होते हैं, फॉन वाइट आते हैं, ब्लू और ब्लैक ऐसे ऐसे होते हैं, और कई में स्पॉटेड भी होते हैं। इसमें बहुत ही कलर, देखिए कलर की तो कोई बात ही नहीं, बहुत कलर आते हैं। और कई डॉग लोग जो होते हैं वो उसको क्रॉपिंग के साथ पसंद करते हैं, वो नहीं क्रॉपिंग करवाना चाहते, रोज़ फ्लाइयर रखते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। जब मैं स्टार्टिंग हुआ था तो मेरी लाइफ की जो पहली पिटबुल थी वो आज 9 साल की है। मैंने स्टार्टिंग उसी से की थी। जब मैंने वो ली थी तब उन दिनों में मैं बीमार हुआ था, बीमार होकर बस मैं ठीक ही हुआ था, जस्ट मैं घर आया था, तो मुझे बेड रेस्ट था, मैं बेड पे रेस्ट करता था। तो मुझे हमेशा अपनी लाइफ में खाली खाली लगने लगा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक आम जिंदगी जी रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मन में ठान ली कि मैं एक डॉग रखूँगा, और मैंने डॉग के बारे में पता करना चाहा। तो मुझे आम ब्रीड के बारे में मालूम ही था, इससे ज़्यादा नहीं पता था। पिटबुल का भी मुझे नहीं पता पिटबुल क्या होते हैं उस समय। पिटबुल बहुत रेयर ब्रीड थी, किसी किसी के पास थी। मेरे एक फ्रेंड है वो मेरे पास आई, तो उन्होंने बताया यार तुम डॉग रखना चाहते हो तो पिटबुल रखो। फिर मैंने पिटबुल के बारे में सर्च किया, देखा, फिर मैंने पता लगा, तो फिर वो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये फीमेल लेके दी। तो फिर मैंने इस फीमेल को जब लिया था तब ये बहुत ही माड़ी कंडीशन में मुझे मिली थी, कह सकता हूँ मैं।
इसके ऊपर जख्म हो रखे थे। क्यों रखे थे? इसकी जो मदर थी वो अग्रेसिव थी, वो एक फाइटर ब्लड लाइन से थी। उसी ने इसको पता नहीं कैसे काटा, भगवान जाने, पर मुझे देख के बहुत ही दुख हुआ। तो मैंने सिर्फ, मेरा लेने का कारण एक यही था, एक छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा डॉग है, उसको जख्म हो रखा है। तो बस मैंने जैसे उसको देखा, मैंने तुरंत लिया और उसको अपने घर ले आया। मैंने अपनी फीमेल को अच्छे से प्यार किया, उसको अच्छा न्यूट्रिशन देता रहा, अच्छी डाइट देता रहा, डॉक्टर से लेके जाकर उसको डॉक्टर से लेके जाता रहा, डॉक्टर के पास उसको ट्रीटमेंट कराता रहा ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए, जल्दी से उसके जख्म ठीक हो गए। जब मेरी फीमेल 6 महीने की हो चुकी थी तो वो अलग से दिखने लगी थी, ये ब्रीड है। एक्चुअली जब मैं जो छोटी थी, मैं इसको बाहर लेके जाता, लोग मुझ पर हंसते थे, मेरे मोहल्ले वाले ही, ये क्या लेके जा रहा है यार, इसको तो जख्म हो रखे, ये क्या, ये आम डॉग लग रहा, स्टे डॉग। मैं उनको बताता, भैया ये पिटबुल है, ये आम डॉग नहीं है। फिर ये जब 6 महीने की हो गई थी, लोगों के मुंह बंद खुद ब खुद हो चुके थे जब वो इसको निकल के देखते थे, यार ये इसकी इतनी मस्कुलर बॉडी है, बहुत अच्छा डॉग, कौन सी ब्रीड है। फिर मैं उनको बताता, भैया ये पिटबुल है। ऐसे ही फिर मैंने उसको देख के और मैं सीखता रहा, और मेरे को मन में मेरे और इच्छा होती रही कि और इसको स्टेबल करूँ और बनाऊँ। फिर मेरे, मैंने एक चीज़ के बारे में कहीं पढ़ा था, वो ब्रीड थी अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। फिर मैंने मन में सोचा, यार ये ब्रीड भी मैं रखूँगा। मैंने सर्च किया, मुझे इंडिया में देखा कि किसके पास कौन ब्रीडर है इसका, तो फिर मुझे पता चला वो हमारे भैया जी थे, मिंटू जी। मैंने उनसे अपनी बिच को लिया, तब से मैंने ये अपनी फीमेल स्टार्ट की, परी। परी आज मेरी इंडिया की फेमस फीमेल है, इंडियन चैम्पियन है मेरी परी। परी आज मेरी 6 साल की हो चुकी है और उसके पास मल्टी BOB विनर है, वो मल्टी ग्रुप फर्स्ट है वो, और मल्टी RBB विनर है वो अपने समय में। उस समय में उसने अच्छे अच्छे डॉग को बीट किया है, इम्पोर्ट को भी और BA डॉग को भी बीट किया है। तो ऐसे ही फिर मैं धीरे धीरे, और मेरा मन उस चीज़ के अंदर जागृत होते रहा कि मैं ब्रीड ही रखूँगा तो हैमस्टाफ ही रखूँगा। मैंने अपने घर में बात की, अपनी मम्मा को बताया, बहन को बताया, बोले ठीक है तो इस ब्रीड के बारे में कर, हम तेरे साथ हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही ब्रीड को अपने धीरे धीरे परी को रखा, उसको समझा, फिर उसको चैम्पियन किया। फिर मैंने उससे अपने पपी, मेरा फर्स्ट लीटर भी हुआ, वो भी मैंने लिया, वो मिंटू भैया जी के पास डॉग था, मिको, रोमियो कार्बलाडो स्टाफ से वो डॉग था मेरा, वो भैया जी का, वो बाहर से इम्पोर्ट था। मैंने उसे परी मीट करवाई तो उससे पपी हुए, मैंने वो पपी भी सेल किए। फिर मुझे पता लगा, लगा इसको अच्छा लग लगा कि ब्रीड भी है। बट फिर कुछ सालों में इस ब्रीड के बारे में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था ये ब्रीड है क्या, और आज भी यही लोगों के मन में वहम है, ये ब्रीड पिटबुल है। नहीं भैया, ये पिटबुल नहीं है, ये बहुत ही समझदार डॉग होते हैं। और देखिए, पिटबुल भी गलत नहीं है, पिटबुल बहुत समझदार डॉग होते हैं। अब बस हमेशा एक चीज़ डिपेंड करती है ऑनर पे। अगर एक डॉग को ऑनर अच्छा मिलेगा तो ऑब्वियसली डॉग भी अच्छा बनेगा। अगर ऑनर ही उसको चाहेगा मैं इसको फाइटिंग पे लगाऊं, अग्रेसिव बनाऊं, तो अग्रेसिव ही बनेगा। अब सबसे पहले बात अपने आप में सोचिए, आप कैसे ऑनर बनना चाहोगे, अच्छे या बुरे। डॉग कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी ब्रीड कभी गलत नहीं होती, उसको सिर्फ बनाने वाले इंसान होते हैं। हम ही चाहे तो उसको अच्छा बना सकते हैं, हम ही चाहे तो उसको बुरा बना सकते हैं, ये एक बच्चे जैसे होते हैं। तो बस आप अच्छे ऑनर बने, अच्छा डॉग बनाएं। और अब मैं बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, तो देखिए मैं इस ब्रीड को लेके आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक ये ब्रीड फेमस ना हो जाए पूरे इंडिया में। मैंने जब अपनी पिटबुल ली थी, वो जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो उस समय मेरे पास चलो पैसा पूसा भी था, ठीक था, क्योंकि मेरे फादर साहब 2006 में एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे फादर साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, तो मेरे मामा को उनकी पेंशन आती थी, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो फिर मामा से मैं पॉकेट मनी लेके अपने उसको केयर करता रहा। जब मैंने परी अपनी देखी, तो मैंने जब परी की फ़ोटो मंगवाई मिंटू यादव भैया जी से, उन्होंने मुझे को फ़ोटो भेजी, तो मैं देख के पागल हो चुका था कि मेरे पास बस कोई लफ्ज़ नहीं था इसके बारे में क्या बोलूं। बस ये था कि इसको जल्दी से अपने हाथ में लूं और इसको प्यार करूं, घर पे ले आऊं। तो मैंने मामा को बोला कि मुझे ये बिच चाहिए, मामा मेरे को पैसे दीजिए। उनके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मामा ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पास एक मेरी बाइक हुआ करती थी, KTM ड्यूक। मैंने अपने ड्यूक को देखा, उसी समय मैंने फीमेल अपने डॉग उसको बाइक को सेल किया। उसी रात मैंने पैसे कलेक्ट किए, रात को ही मैं यहाँ से निकल गया लेने के लिए भैया के पास। मैंने घर भी नहीं बताया मामा को, सिर्फ मेरी बहन को पता था कि गया। बहन ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करते, दीदी मेरे। तो मैं गया, जैसे मैं पहले के घर आया तो मम्मी हैरान, तू कहाँ चला गया था, ये क्या है। तो मैंने उनको बताया, मम्मी ये ब्रीड है अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। तो फिर धीरे धीरे मम्मी को भी उनसे प्यार होने लगा, परी से, ऐसे मेरी फैमिली सभी उसको प्यार करने लगी। फिर मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। और एक समय मेरी लाइफ में ऐसा आ चुका था कि मेरे पास इतने डॉग थे, मेरे पास उनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। बट मैंने हार नहीं मानी,
क्यों नहीं माने कि देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं कोई रिच नहीं हूँ, बट मैं एक अच्छा एम्स्टर्डम लवर अपने आप को कह सकता हूँ। मैंने अपने डॉग्स के लिए बहुत ही कुछ किया, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, दिहाड़ी मजदूरी भी मैंने की है कि ताकि मेरे डॉग भूखे ना सोए, इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले। मैंने फोटोग्राफी की है, इनके लिए फोटोग्राफी की, जो मेरे पास पैसे आते थे इनके लिए अच्छा फूड लेता था। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत हेल्प की है, वो मुझे चाहते थे कि तू डर मत, हम तेरे साथ है। वो मुझे अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके पैसे मुझे देते थे, तू इनको फूड डाल, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। और फिर मैंने डॉग ट्रेनिंग भी सीखी कि ताकि डॉग ट्रेनिंग से मुझे जो पैसे आते थे, मैंने वो भी इनके ऊपर लगाना स्टार्ट किया। ये कहने का मतलब मैंने कि मैं हार नहीं मानता इस चीज़ को लेके। बस यही मेरी ख्वाहिश है कि इस ब्रीड के बारे में लोगों को पता चल जाए कि एम्स्टेफ होते क्या है। और इंडिया में मुझे जो लग रहा है, भगवान की दया से इस वीडियो के माध्यम से शायद आम जनता को भी पता चल ही जाएगा कि एम्स्टेफ क्या होते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपको कि इस ब्रीड को एक बार रखें, प्यार करें, इसको समझें ये कैसी ब्रीड है कैसी नहीं है। बहुत ही समझदार डॉग होते हैं ये। और स्टार्टिंग मैंने जो अपनी जूली से ही की थी, पिटबुल से ही, आज मेरे पास तकरीबन 9 डॉग हैं, जिसमें से मेरा एक डॉग है बहुत फेमस है, मेरे टॉप प्रोड्यूसर मैं कह सकता हूँ उसको मेरे कैनल का, उसका नाम है विली द सुपर बॉय। वो ब्लैक स्पॉट में वाइट डॉग है, तो आज मेरे पास उसकी प्रोडक्शन ही बड़ी है। आगे जो भी है, मेरा जो डॉग है अपाच फॉन एंड वाइट, और उसका एक भाई है राइनो ब्लैक एंड वाइट, वो भी मेरे दोनों स्टड टॉप के स्टड है मेरे। और जो मेरा अपाच है वो तो चैम्पियन है, बहुत अच्छा डॉग मेरा वो फॉन वाइट। और मेरा एक और डॉग है ब्रिंडल वाइट, वाइट हेडेड है, पीछे से ब्रिंडल है वो, उसका नाम है बिस्ट्रो, वो भी मेरा अच्छा डॉग है। और अब बात करूँ बिच की, मेरी जो फेमस बिच है वो मेरी परी द एंजल है, और मेरे जो कैनल की टॉप प्रोड्यूसर बिच है वो मेरी ब्लैकी है। अभी तक जितने भी मेरे अच्छे पपीज हैं वो मेरे ब्लैकी में से मैंने रिटेन किया, और परी में से जो मेरे को बिचेस मिली है वो सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बिचेस मिली है पर्सनलिटी शो के लिए। और मेरे पास टोटल बिच है 5, मेरे पास 4 स्टड है, और अदर मेरे हम मेरे फ्रेंड्स हम सभी एम्स्टर्डम लवर है। मेरे जितने फ्रेंड्स मैंने सभी को अपने फ्रेंड्स को अपने एम्स्टर्डम डॉग्स की को दे रखे देखभाल के लिए। हम जब भी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे हम एक साथ अपने डॉग्स को लेके जाते हैं पार्क में, हम सभी को इकट्ठा खुले छोड़ देते हैं, भागे खेलें कुछ भी करें। और देखिए आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि मेरे डॉग कभी भी लड़ते नहीं है किसी एक दूसरे से, फाइट नहीं करते। तो यही फ़र्क होता है एम्स्टर्डम का कि वो कभी भी ना अपने, अगर आपके पास कोई अदर ब्रीड भी होगी, अगर आप उसको उसके साथ में पाल रहे हो, अगर आपके पास एक पग डॉग भी है तो भी उसको प्यार करेगा, वो उसको काटेगा नहीं, ना ही वो उसके लिए अग्रेसिव होगा। तो आप सब खुद समझ सकते हैं इस ब्रीड में कि ये कैसे होंगे। अब मेरे पास ये एम्स्टर्डम भी है, मेरे पास एक मेरी फ्रेंच बुलडॉग भी, वो भी इनके साथ में रहती है, और मेरे पास अपना एक पग स्टड भी है, वो भी उसके साथ में रहता है। अब देखिए क्यों रहता है, अब सोचिए अगर अग्रेसिव होते तो ये उनको पकड़ लेते, नहीं पकड़ते और नहीं काटेंगे, नहीं काटते भैया, ये एम्स्टर्डम है, ये पिटबुल नहीं है। और पिटबुल भी गलत नहीं होते हैं, पिटबुल भी गलत नहीं होते हैं, गलत हमेशा ही सिर्फ एक ऑनर होता है। अगर आप अच्छे ऑनर हो तो आप अच्छा डॉग बना सकते हो उसको। तो बस यही है कि भैया इस ब्रीड को समझो, इसके बारे में आपको अगर डाउट भी हो तो आप नेट पे जाके सर्च कीजिए एम्स्टर्डम क्या है। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि हम डिफरेंस देखना चाहें पिटबुल में, तो वो भी देख सकते हैं आप क्या डिफरेंस होता है पिटबुल और एम्स्टर्डम में। और रही बात है इंडिया में, तो इंडिया में दुख होता है, ख़ासकर तो हमारे पंजाब में मुझे दुख होता है कि ये ब्रीड को लेके लोग मिक्स बहुत कर रहे हैं। कई लोग हमारे यहाँ से क्या कर रहे हैं कि मिक्स ब्रीड करके एम्स्टर्डम कह के लोगों को सेल कर रहे हैं, मुझे दुख होता है चीज़ को लेके। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे एम्स्टर्डम लो, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे भाई हैं जो एम्स्टर्डम ब्रीड करते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, आप उनसे भी ले सकते हो पपीज। तो एम्स्टर्डम एक बहुत अच्छी ब्रीड है, और जो लोग मिक्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो खुद भी गलत हो रहे हैं और ब्रीड को भी गलत कर रहे हैं, जो गलत बात है। ऐसा मत कीजिए, एक स्टैंडर्ड डेवलप कीजिए भैया। अगर आप पिटबुल ब्रीड हो तो पिटबुल ब्रीड कीजिए, अगर आप एम्स्टर्डम ब्रीड हो तो एम्स्टर्डम ब्रीड कीजिए, अगर आप लैब्रा ब्रीड हो लैब ब्रीड कीजिए, जर्मन शेफर्ड हो वही स्टैंडर्ड रखिए। कहने का मतलब यही है कि हर एक ब्रीड में आप स्टैंडर्ड बना के रखेंगे तो आप एक अच्छे ब्रीडर और एक अच्छे लवर कहलाएंगे। अगर आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली आपको दुनिया कब तक चलाएगी भैया, नहीं कोई भी पसंद करेगा, प्योरिटी करो। और देखिए मैं अपनी बताऊँ तो मेरे पास जो पेडिग्री है वो सब इम्पोर्ट है, तो वो मेरे जो सभी डॉग है वो लाइन जो मेरे पास वो भैया मिंटू यादव जी से आई है। जो मेरे पास ब्लड लाइन है वो वर्ल्ड की 3 फेमस ब्लड लाइन है, अगर आप चाहो तो नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जो पहला मेरे पास ब्लड है वो है वाइट हेडेड लॉन्ग स्टेप का,
और जो सेकंड ब्लड है वो है डॉन किंग ऑफ रिंग, और जो अब न्यू लेटेस्ट ब्लड है वो थर्ड है वो कार्बिलाडो स्टेफ्स। वर्ल्ड के जो तीनों ब्लड लाइन है वो मेरे पास है और वही मैं ब्रीड आगे कर रहा हूँ, ताकि इस ब्रीड को मैं और डेवलप करना चाहता हूँ और अच्छे बनाना चाहता हूँ कि इंडिया में एक ऐसा स्टेप्स रेडी हो जाए कि लोग बाहर से इंपोर्ट ना कराए, सीधा बी आई डॉग रखे कि हाँ यार हमारे पास भी ऐसी ब्रीड है। और देखिए जब फॉरनर जजेस आते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं एम्स्टेप को, बहुत देख के खुश होते हैं यार ये ब्रीड हमारी यहाँ भी लोग इसको पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, और जजेस भी इस ब्रीड को समझते हैं। बट देखिए किस कई लोगों को इस बारे में नहीं पता, ना तो जजेस को पता है और ना ही आम जनता को पता है इसके बारे में। बस मेरा यही मोटिव है कि लोगों को पता चल जाए ये एम्स्टेप क्या होता है। एम्स्टेप बाहर जो डॉग शो होते हैं तो वहाँ पे वेस्टर्न शो तक लगते हैं, और यहाँ पिन ब्रीड को अभी तक इतना नहीं सक्सेस मिल पा रही है अपनी इनको लाइफ में, ना तो इनको अभी इतना कोई लोगों को पसंद है ना कोई जजेस पसंद करते हैं इसको। बट मैं लगा रहता हूँ और भी मेरे फ्रेंड्स हम सभी लगे हुए हैं कि इस ब्रीड को हम आगे तक लेके जाएंगे। एक टाइम ऐसा लेके आना चाहता हूँ मैं कि लोगों को खुद मालूम हो एम्स्टेप क्या और पिटबुल क्या है, बट डिफरेंस रखना चाहता हूँ मैं, ये ख्वाहिश है मेरी कि लोगों को पता चले यार ब्रीड ये कैसी है। और अगर बात करूँ तो पेडिग्री की, देखिए मेरे पास वो पेडिग्री मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी मेरे पास लाइन है, और जो पेडिग्री मेरे पेपर्स होंगे वो प्रॉपर कैसे रजिस्टर्ड पेपर होंगे, फुल पेडिग्री, कोई भी अननोन नहीं होगा उसमें। और आप अगर आपको आप रखना चाहोगे, अगर आपको लगता है यार मुझे इसके बारे में नहीं पता फर्स्ट ऑनर हो, तो मुझे आप फ़ोन कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए अच्छे से। अगर आपको लगे यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कभी भी फ़ोन कीजिए, रात के चाहे 12 बजे हो चाहे सुबह के 4 बजे हो, मुझे फ़ोन करके बताइए भैया ये कैसे डाइट खिलाएं इसको, क्या करें क्या नहीं। भैया मैं एम्स्टेप लवर हूँ, ब्रीडर मैं नहीं अपने आपको कहना चाहता हूँ, मैं एम्स्टेप लवर हूँ। अगर आप इस ब्रीड को लेकर चलेंगे तो मैं आपके हमेशा साथ में हूँ और रहूँगा। इसको प्रमोट कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, एक बारी अच्छा से इसको समझिए, बहुत अच्छी ब्रीड आप आओगे तो आप भी समझ जाओगे। और अगर आप फिर भी अच्छे से मुझे समझना चाहते हो आप मेरी फेसबुक आईडी पे जा सकते हो, रवि कुमार नाम से आप सर्च करोगे अमृतसर लिखो तो ऊपर ही मेरी फ़ोटो आ जाएगी, उस पे परी बैठे हुए मेरे साथ में, और आपको पता चल जाएगा मेरे आप उस पर जाके आप मेरी वॉल पे आप देख सकते हैं मेरे पास कौन कौन से डॉग है, कहाँ से मैंने कहाँ तक मैंने इनको आगे तक लेके जा चुका हूँ, कहाँ तक मैंने इनको डॉग शो किया है। तो बस भैया यही है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, प्यार कीजिए इस ब्रीड को और समझिए, और आम लोगों को भी बताइए, आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए इसके बारे में भी ये कैसी ब्रीड होती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।